रीवा जिले में सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के द्वारा जिले भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। कॉलेज चौराहे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी नवनीत भसीन के सहित बड़ी संख्या में समाजसेवी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी को यातायात नियमों से जुड़े हुए पैम्पलेट का वितरण किया गया। इसके साथ ही जिन लोगों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, उन्हें रोककर समझाइश भी दी गई। इस दौरान एसपी ने कहा कि आमतौर पर हादसा देखकर हम लोग किनारा काट कर निकल जाते हैं, हमारे मन में ये भय रहता है कि हम पुलिस के पकड़ में फंस जाएंगे, लेकिन आपकी अनदेखी किसी की मांग का सिंदूर पोंछ सकती है और किसी के घर का चिराग बुझा सकती है। किसी के जीवन को बचाने से दूसरा बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। यदि कोई घायल आपके सामने पड़ा है तो उसे आपकी मदद की आवश्यकता है। आइए सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या कहा। वाहन सीमित गति से चलाएं, दुर्घटना से बचें, सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखने के बाद ही सड़क पार करें। वाहन चालक सड़क पर यहाँ वहाँ व्यवस्थित रूप से वाहन खड़े ना करें। क्योंकि हमारे आपके बीच के कई लोग, हम लोग हैं, हमारे से जुड़े कई लोग हैं, वो थोड़ी सी लापरवाही करते हैं। उन्हें सबको जागरूक करना है और फिर मिलकर जो है प्रयास करें। हम जरूर जो है भोपाल शहर में सभी को ट्रैफिक नियम का पालन करते हुए देखेंगे। धन्यवाद। कहाँ गया तू यार? जागरूकता अभियान आयोजित किया गया था, इसका क्या उद्देश्य और किस तरीके से प्रभावित रहेगा? रीवा जिले में एक्सीडेंट से होने वाली मृत्यु की संख्या कम करने के लिए हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर टीम के रूप में काम कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने अनुभव किया कि हमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बड़ी मात्रा में चाहिए। जनता की भागीदारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको देखते हुए आज ये कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में हमने कुछ संगठनों को आमंत्रित किया और उन संगठनों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए बहुत सरल भाषा में, सरल रूप में उन संगठनों से आग्रह किया है। हम लोग पुनः कुछ दिनों बाद बैठेंगे और संगठनों को जो हमने काम दिया है, घर परिवार में जाकर मिलना, उनको ओवर स्पीडिंग के बारे में बताना, एक्सीडेंट के दुष्प्रभाव के बारे में बताना, उन लोगों के अनुभव जानने के बाद हम इस कार्यक्रम को कैसा रूप दे सकते हैं उस पर काम करना। साथ ही साथ आपको एक बात और बताऊँगा, हम लोगों ने दो नए प्रयोग रीवा जिले में किए हैं एक्सीडेंट की रेट कम करने के लिए। पहला, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हमने अपने मुख्यालय पर ना कर सभी डिपार्टमेंट को साथ में ले जाकर लगातार सुबह शाम तक ऑन रोड मौके पर जाकर प्रत्येक पॉइंट को कैसे सही किया जाए इस पर काम किया है। दूसरा, हमारे RTO साहब, ट्रैफिक पुलिस और CMSO साहब ने मिलकर आई कैंप लगाए हैं, जिससे कि ड्राइवर्स की आई टेस्टिंग हो सके और उनको कई बार जानकारी नहीं होती कि उनकी आंखों में दोष आ चुके हैं, उनको चश्मे की आवश्यकता है, उनको दवाई की आवश्यकता है। इन दोनों प्रयासों से हमें लगता है काफ़ी फर्क पड़ेगा। थैंक यू। आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक यहाँ पर मीटिंग हॉल में ना करके ऑन रोड आयोजित की। हम लोग एक चरण में यहाँ से लेकर हमारे मिर्जापुर रोड कवर कर चुके हैं हनुमाना तक। अगला चरण हमारा अगले हफ्ते प्रस्तावित है, इसमें हम लोग इलाहाबाद रोड तक जाएंगे और जहाँ जहाँ पर रास्ते में कट्स हैं, तिराहे चौराहे हैं, जहाँ पर संकेतक नहीं है, एक्सीडेंट जोन है, उन सबको मौके पर देखकर संबंधित विभागों से उसको दुरुस्त करने की पहल शुरू करवाएंगे और उसका फॉलोअप भी लेंगे। थैंक यू।